something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Restoring everything within. Oh, hello guys, welcome back to our channel, Humtum in England. So, आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्नो हो रही है. हमने कहा चलो कैमरा उठाते हैं और एक ऐसी छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं. नॉर्मल ये व्लॉग है कि हम हमारे यहाँ स्नो हो रही है और हम क्या कर रहे हैं. सुबह सुबह का टाइम है और हमने देखा बाहर स्नो इतनी ज्यादा हो रही है. हमने कहा लास्ट टाइम भी हम भूल गए थे वीडियो बनाना, इस बार तो बना ही लेते हैं पक्का. तो अभी आपको दिखाता हूँ सामने से. ये देखो पूरा कवर्ड है स्नो से और मिडलैंड्स में इतनी ज्यादा स्नो बहुत ही कम होती है. वॉरविकशायर में अब देखो यहाँ पे पूरा ये स्नो से कवर्ड है. बेबी हर कोई ना बाहर खड़ा हुआ है परेशान है भाई. रात को तो ऐसा वेदर था नहीं, आज सुबह कैसे हो गया. कल धूप निकली हुई थी यार. कल हम बाहर गए थे. एक और चीज है यहाँ के वेदर के बारे में, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल वेदर है. सुबह स्नो हो रही है तो दोपहर को धूप हो जाएगी इतनी अच्छी. सुबह धूप हो रही है तो कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं पता लगता. क्या लिख रहे हो हम तुम. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Restoring everything within. Oh, dreamy, breezy. यूके में मोस्टली लोग जो हैं कनाडा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं आना यहाँ पर. वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो नॉर्मल है, इतना एक्सट्रीम नहीं है. और समर में भी इतना एक्सट्रीम नहीं है और विंटर में भी इतना एक्सट्रीम नहीं है. लेकिन इस बार तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही है. बट ऑब्वियसली कनाडा के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ये. हाँ, माइनस कितना 1-2 -5 जाता होगा मैक्सिमम. हाँ वो भी एक आध दिन. हाँ अभी भी -2 होगा आई थिंक. देखना एक बार. हाँ -2 होगा, इतना ज़्यादा नहीं है और उसकी वजह से स्नो पड़ रही है यहाँ पे. तो कभी कभी ऐसा वेदर आता है तो जब भी वो वेदर आए इंजॉय करना चाहिए. और हर वेदर को इंजॉय करो, समर हो. यहाँ पे समर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग. बाहर ऐसे घूम रहे होते हैं, इतनी भीड़ होती है, आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी. कहीं हॉलीडेज बुक करना चाहोगे सारे कॉटेजेस बुकड होंगे और इतने महंगे होते हैं. साथ भी नहीं जा रहा, इतना सारा रोल कर दिया, बर्फ स्नो हटा दिया गाड़ी के ऊपर से. वो कह रहे हो हाथ नहीं जा रहा. बढ़िया बन गया यार. चलो अब इसको नीचे रखो. मैं बड़ा बनाऊंगी. इससे भी बड़ा बनाओगे. तो भाई ये हो गया धड़ तैयार और ये रहा उसका बेस, इतना मोटा. ये बेस नहीं है, ये मुंह है. हाँ। चलो लगाओ फिर. देखो लगाओ लगाओ. और ये मैंने बनाया. वो मैंने बनाया, उसका आधा मैंने बनाया. चलो ना, कैमरा कौन पकड़ेगा. चलो चलो जल्दी करो. ये तो मस्त लग रहा है. मफलर लेके आऊं इसका. हाँ। ये पकड़ो. अभी इसको देखो. मस्त लग रहा है. Oh.
के आए हो, ढक्कन से सही लग रहे हैं। उल्टी साइड से बेटर रहेगा बट ऐसे लगाओ। हाँ ऐसे लगा दो, ये पकड़ो मैं करता हूँ, हटो पकड़ो 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 लग तो गई, पकड़ो 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 नीचे से स्नो ले लो। इंजीनियर है ना हम। जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, सारे सीजन होते हैं और सारे ही सीजन इतने सुंदर होते हैं। ऑटम में वो लीव्स इतनी सुंदर लगती है, रेड रेड लीव्स, और विंटर में आप देख रहे हो स्नो हो रही है यार। हाँ, मजे आ रहे हैं। मई जून का जो अभी जो ईस्टर हॉलीडेज आने वाली है, अगर लॉकडाउन यहाँ पे खुल जाता है तो ईस्टर हॉलीडेज में कहीं पे भी बुकिंग नहीं मिलती, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों के ऊपर, और इतनी जो हॉलीडे होम्स होते हैं या होटेल्स होते हैं वो सारे बुक्ड होते हैं। लेकिन आजकल ईस्टर पे ना स्प्रिंग होती है तो नए नए फ्लावर्स खिले होते हैं और अच्छा मौसम हो जाता है, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड होती है, हल्की हल्की गर्मी होती है, अच्छा सा मौसम होता है, और इसलिए ना लोग बाहर निकलना चाहते हैं विंटर के बाद। तो पता नहीं अब इस बार ईस्टर पे खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस बार सब कुछ उल्टा चल रहा है, मुझे लगता नहीं है ईस्टर पे खुलेगा, और लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कैसे मैनेज करती है। अभी तक ठीक है, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखते हैं जो यहाँ के लोग हैं उनका, वैक्सीन्स यहाँ पे दे रहे हैं पर डे बेसिस पे, इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स यहाँ पे दे रहे हैं वो, एक्यूरेट मेरे पास नंबर है नहीं अभी। दो वैक्सीन है, एक फाइजर वैक्सीन है और एक ऑक्सफर्ड की AZ करके कोई वैक्सीन है। ये दो वैक्सीन है, एक डोज जैसे आज दिया तो दूसरी डोज जो है वो आई थिंक 3 months बाद दे रहे हैं। सो ऐसा कुछ उन्होंने टाइम स्पैन रख रखा है बीच में। सो लेट्स होप के फटाफट ये सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए, बैक टू नॉर्मल आ जाए सब कुछ, और हम फिर से हॉलीडेज पे जाना स्टार्ट कर दें। और लेकिन इंडिया के हिसाब से ये भी हमारे लिए हॉलीडेज ही है एक तरह से। जैसे वहाँ पे शिमला और मनाली लोग जाते हैं वैसे ही यहाँ पे देख लो वेदर कैसा हो रहा है। सो ये है भाई यहाँ का वेदर, और हमने सोचा कि हम कैमरा उठाए और आपके साथ ये शेयर करें कि यहाँ पे वेदर क्या हो रहा है, क्योंकि कई सारे जनवरी में लोग जनवरी इंटेक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि वो ये देख के आए कि कितना यहाँ पे कैसा वेदर है, थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे लाए, अपनी मोटी जैकेट एक जरूर ले, एक मोटी जैकेट जरूर लेके आओ, और बाकी यहाँ से आप ले सकते हो प्राइमर्क वगैरह से काफ़ी जगह ले सकते हो, आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Enjoy. नहीं ऐसे कैसे enjoy? हमारी चैनल को सब्सक्राइब, नहीं वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, उन्हें भी स्नो एंजॉय करवाओ यार, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्नो। हाँ।